मुकेश भाई मजबूत टीम, मजबूत अखाड़ा वो होता है जिस अखाड़े में भैया जी किसी भी कलाकार को आप उठा लो वो कलाकार गीत गा दे। मेरे अखाड़े में मंच पर चारों कलाकार हैं, चारों कलाकार पूरी रात्रि दंगल गाने का दम रखते हैं। लेकिन आप बात बड़ी बड़ी करते हो लेकिन भीतर कुछ नहीं है। अब एक गीत जनता जनार्दन के चरणों में गीत आपका भी हुआ और गीत मेरा भी होगा, लेकिन गीत पर आपके पर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि दूसरा कलाकार भी उसी रचना को गा रहा है, लेकिन मेरे गीत पर आप कोई सवाल नहीं उठा पाओगे। मुकेश भाई सुनना गीत को। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने एक बहुत सुंदर सा गीत गाया, ध्यान देंगे गुरुदेव। वो दिन कहां से लाऊं, वो दिन कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुलावे, वो दिन कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुलावे, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिन कहां से लाऊं, तेरी याद जो अच्छे से रिकॉर्ड करना भैया। बात तो समय की है, देखिए जनता में से बहुत से लोग डॉक्टर कुमार श्रीवास्तव जी के प्रवचन सुनते होंगे, रामचरितमानस तुलसीकृत हम और आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक रामायण है कन्नड़, कन्नड़ रामायण है, साउथ इंडियन रामायण है, उसका हिंदी में टीका मंगाइए। उस रामायण में, उस रामायण से कुमार श्रीवास्तव नए नए प्रसंग बताते हैं विस्तार में। एक प्रसंग आया रामचरितमानस से, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, पहलवान जी भगवान राम की गोदी में उनका सिर है, हनुमान जी बूटी लेने को गए, मध्य रात्रि हो गई लेकिन हनुमान जी वापस नहीं आए। अब बानर भालू चर्चा करने लगे, बानर सेना पूरी चर्चा में डूब गई, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, कुछ बानर बोले अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ये बताइए कल युद्ध कैसे होगा। धीरे धीरे वो चर्चा भगवान राम तक पहुंची, भगवान राम नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल होने के बाद भगवान राम क्रोध में होकर के खड़े हो गए और कहने लगे सुनिएगा, अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो किसी भी बानर को युद्ध करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा यहां से मेरा गीत शुरू है गुरु, आइए। कहने लगे प्रभु राम, ध्यान देंगे मेरे बुजुर्गों बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, के मूर्छित लक्ष्मण हो गए, मूर्छित लक्ष्मण हो गए, के मूर्छित लक्ष्मण हो गए, के मूर्छित लक्ष्मण हो गए, और हृदय हुआ बेचैन, के मूर्छित लक्ष्मण हो गए, कोई हृदय हुआ बेचैन, अरे देख दशा निज भात की फिर परसन लागे ने, के देख दशा निज भात की कोई बरसन लागे ने, अनमोल रतन रघुवंश का, अनमोल रतन रघुवंश का, फिर
किसी की चलने नहीं दूंगा। कहने लगे प्रभु राम अनमोल रतन रघुवंश का फिर किसी की चलने नहीं दूंगा। और अगर बात आपके हृदय तक पहुंचे तो आपका छोटा सा बच्चा हूं आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फिर किसी की चलने नहीं दूंगा। कर बात भाई की आ गई तो मैं सूर्य निकलने कर बात भात की आ गई तो फिर सूर्य निकलने नहीं दूंगा। युद्ध आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। होगा क्या कहने लगे प्रभु राम लंकापति की सारी शंका में मेट दूंगा। अरे इस लंकापति की सारी शंका में मेट दूंगा। लंकापति की सारी शंका में मेट दूंगा। लंकापति की सारी और शंका में मेट दूंगा। और लक्ष्मण को कुछ हुआ तो लक्ष्मण को कुछ हुआ तो ये लंका में मेट दूंगा। लंकापति की सारी लंका में मेट दूंगा। लंकापति की सारी लंका में मेट दूंगा। सबके अंका में मेट दूंगा। और लक्ष्मण को कुछ हुआ तो लंका में मेट दूंगा। लंकापति की सारी लंका में मेट दूंगा। लंकापति बजा उसका गंगा में मेट दूंगा। लक्ष्मण को कुछ हुआ तो लंका में मेट दूंगा।
आशीर्वाद हमारे बड़े भैया जी बहुत सुंदर नाल बजाते हैं, भूरा भैया जी उनकी तरफ से आए हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आइए अंतिम बंद में कहने लगे प्रभु राम, भारी पड़ेगा उसको रघुबर काज माना, भारी पड़ेगा उसको रघुबर काज माना, अखिलेश राम रावण को, अरे अखिलेश राम रावण को जानेगा ये जमाना, अखिलेश राम रावण को जानेगा ये जमाना, अखिलेश राम रावण को। ये किस रुपए हमारे गुरुदेव मेहंदी उस्ताद जी उनकी तरफ से आए, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। अखिलेश राम रावण को जानेगा ये जमाना, जानेगा ये जमाना, तो धरती से रावण सा, धरती से रावण सा रणबंका में मेट दूंगा, धरती से रावण सारण बंका में मेट दूंगा, लक्ष्मण को कुछ हुआ तो, लक्ष्मण को कुछ हुआ तो, लक्ष्मण को कुछ हुआ तो लंका में मेट दूंगा।